अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। तो फाइनली यार हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कराची के लिए। मैं हूँ, मेरे साथ मेरा भांजा है और ये भतीजा। और ये भांजा। और हम लोग जो अभी हाल ही में निकले हैं, थोड़ा सा फासला तय किया, ज़्यादा फासला तय नहीं किया, तो यहाँ पे शोर होगा, तो आपने शोर जो है ना वो एडजस्टमेंट करनी है शोर में, ठीक है? बाकी के जो मूवमेंट्स वगैरह होंगे वो आपको इसमें कैप्चर करके दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम जो है ना रहीम खान में पहुँच चुके हैं, तो अभी टाइम हो रहा है, इस टाइम तकरीबन 7:30 बज चुके हैं, तो अभी हम लोग रहीम खान पहुँचे हैं। तो फाइनली 4 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे हैदराबाद, सही है, फिर कराची जाएंगे। तो आज का ब्लॉग जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, लास्ट तक वीडियो देखनी है, ठीक है? मेरे साथ हैं दोनों, ये भतीजा जिसको सर्दी लग रही है, वैसे तो इसने लुक अच्छी बनाई हुई है, पैंट शर्ट पहनी हुई है, और ये भांजा जो अभी मोबाइल पे जो है ना बहुत ज़्यादा ही बिजी है, मेरे ख्याल में ज़्यादा बिजी है। अभी हम लोग रहीम खान पहुँच चुके हैं। शायद आपको वीडियो में इतना क्लियर अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा, शुरू में जब मैं घर से निकल रहा था तो उस टाइम मुझे ना वीडियो भूल गई थी, भूल इस वजह से की है क्योंकि मैं बिजी था बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम था घर में और भीड़ मेहमान वगैरह आए हुए थे, इस वजह से जो है ना मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बना ही नहीं पाया। तो अभी टाइम मिला है तो इसलिए मैंने जो है ना फिर वीडियो दोबारा स्टार्ट कर दी, सही है? तो आगे दिखाते हैं आपको, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो फाइनली हम जो है ना रहीम खान से आगे निकल आए, तो अभी सादकाबाद आएगा तो आपको दिखाएंगे वो भी सफर पे जा रहा है। तो अभी हमारा टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा सफ़र का है, तो अभी गुजारेंगे सफ़र जो भी होगा, बाकी डिटेल वगैरह सब कुछ आपको दिखाते रहेंगे। वक्त सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा, सर्दी लग रही है ना, क्या लग रही है? तो आपने शोर वगैरह को एडजस्टमेंट में लाना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे शोर है, मेरे पास माइक नहीं है, माइक जो है ना वो अभी बैग में पड़ा हुआ है, तो इस वजह से जो है ना मैं माइक नहीं उठा पा रहा। क्या खाना है आपने? जूस पीना है। कौन सा वाला भी हो गया? आम वाला। तो आम वाला जूस लेते हैं। आप भी पियोगे? मैं भी पियूंगा। हाँ, आपने पीना है भाई? जूस पीने अभी हम लोग, वो आएगा जूस वाला, फिर आपको जूस लेके देंगे। अभी आपने वो कॉल आ गई थी, वरना हम लोग जाके लेके आते नीचे से जूस जो आप बोल रहे थे, ठीक है? तो इनको बोलो क्या करना है हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर दो, बोल दो। हाँ, और लाइक भी कर दो। हाँ, और इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो फाइनली हम लोग जो है ना सादकाबाद क्रॉस कर चुके हैं, फिर वेट बहुत ज़्यादा थी, जब पैसेंजर वगैरह आ रहे थे ना तो इनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अभी जो है ना हम लोग सादकाबाद जो है ना क्रॉस कर चुके हैं, अब आएगी FFC, यहाँ पे एक हाथ की फैक्ट्री है, वो आपको दिखाऊंगा मैं, शायद दिखा पाऊँ शायद ना ही दिखा पाऊँ, तो एक अलग है। तो उसके बाद जो है ना हम लोग आगे का जो रिव्यू होगा वो भी आपको दिखाते रहेंगे। पैसेंजर की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने सादकाबाद आपको नहीं दिखाया।
बा जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग अभी सफर में रवा दमा हैं और ये तो सो गया है, ये सो गया है, इसको नींद आ रही थी ये सो गया है और रोक गया हुआ है बाहर ऐसे घूमने के लिए, वो भी आ जाएगा। मुझे तो नींद नहीं आ रही, मैं तो अभी नहीं सोऊंगा, मुझे अभी थोड़ी सी भूख लग रही है तो अभी देखते हैं, तो कोई चीज़ खाने पीने की आती है तो फिर खाते हैं बाद में आपको। वैसे भी खुली फिजा पे बैठने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं जब भी सफ़र करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि ऐसी जगह पे सफ़र बैठ के करूँ कि जहाँ पे हर चीज़ का जो है ना देख सकूँ बहुत ही आसानी के साथ। मैं ज़्यादातर जो है ना ऐसी जगह पे ही बैठता हूँ, दिखाते हैं आपको आगे चल के हम लोग। चलो वीडियो के साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है? वीडियो जो है ना लास्ट तक देखनी है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या किया। अभी ट्रेन रुकी है, पता नहीं कौन सा स्टेशन है यार, समझ नहीं आ रही। हम मीरपुर मथेलो, वो शायद आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करता हूँ यहाँ पर शायद नज़र आए। हाँ ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये स्टेशन है जी मीरपुर मथेलो, यहाँ पे हम लोग अभी रुके हैं, शायद 5 मिनट के लिए स्टे होता है यहाँ का। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सक्कर स्टेशन पे, तो ये जो है ना जंक्शन है बहुत बड़ा, यहाँ पे तकरीबन पूरे पाकिस्तान से ट्रेनें आके यहीं पे आके स्टे करती हैं, ये बहुत बड़ा जंक्शन है। तो अभी हम भी यहाँ पे स्टे करेंगे तकरीबन 25 मिनट का, तकरीबन मेरे ख्याल में 25 सेकेंड का जो है ना मिनट का सॉरी सेकेंड बोल दिया मिनट का हम लोग करेंगे स्टे। तो अभी आप देख सकते हैं इसको रोड़ी भी बोलते हैं, सक्खर भी। अभी आपको दिखाते हैं, रोब सोमरो आपको नजर आ रहा होगा। अबे अभी ट्रेन रुक गई है तो हम लोग जो है ना नीचे उतर आए, बर्गर नहीं खाने। हाँ
पापा ने बर्गर खाने से मना किया है। क्या बर्गर खाने से मना किया है? और कोई चीज़ खाएंगे? क्या खाएंगे? और जो और अभी रिजवान को कोई चीज़ लेके दे रहा हूँ, जो चाय का इसको वो लेके दे रहे हैं। अभी क्या लेंगे? क्या लेंगे? और कोई चीज़ देख लो। और क्या लोगे? बिस्किट कौन ये गाना? बस हैदराबाद को मैं ज़्यादा मसरूफ था और पैसेंजर की ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से मैं सुबह वीडियो नहीं बना पाया और मैं बहुत थक भी गया था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बनाई। तो ये जो है ना, इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कल हम लोग जाएंगे कराची। कराची के लिए हमारे जिस मकसद के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ वो मैं आपको कल बताऊँगा आने वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह कल नई वीडियो में आपके लिए हाजिर होंगे। अल्लाह। Trying to play cool.